Good evening, dear students and all other persons, those who are enjoying my video. Today again, I am Sayyed Samshuddin Iltutmish, Vice Principal, Little Angels Senior Secondary School, Brijrajnagar. Again, present with a beautiful Hindi Kavita, a poem written by Ram Avatar Tyagi Ji. Ek bhi aansu na kar bekar. एक भी आंसू न कर बेकार। कई बार इस कविता को पढ़ने के बाद मेरे जहन में सिर्फ एक बात रह गई कि पेन, प्लेजर एंड पॉसिबिलिटीज, ये तीन चीजें, सुख, दुख और संभावनाएं निरंतर हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। हमें इसी के साथ रहना है, इसी के साथ चलना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से शब्दों के मोतियों में एक प्यारा सा कविता फिर होया गया। एक भी आंसू न कर बेकार, एक भी आंसू न कर बेकार, जाने कब समंदर मांगने आ जाए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि समंदर को आपके उस एक आंसू की बूंद की जरूरत पड़ जाए। पास प्यासे के कुआं आता नहीं, पास प्यासे के कुआं आता नहीं, ये कहावत है, अमरवाणी नहीं। हमें हर समय से बताया गया है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, बल्कि प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। लेकिन कवि कहते हैं कि ये कहावत है, ये अमर वाणी नहीं है। और आगे कहते हैं, और जिसके पास ना देने को कुछ भी, एक भी यहां ऐसा प्राणी नहीं। और जिसके पास ना देने को कुछ भी, एक भी यहां ऐसा प्राणी नहीं। कभी हमें यहाँ रियलाइज करवा रहे हैं अबाउट सेल्फ वर्थ, कि हम भी जरूरी हैं। कहीं ना कहीं हम में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज के लिए, हो सकता है हमारे लिए ना सही बट किसी और के लिए जरूरी हो सकती है। दिस इज अबाउट सेल्फ वर्थ। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। कर स्वयं हर गीत का श्रृंगार, कर स्वयं हर गीत का श्रृंगार, जाने देवता को कौन सा भा जाए। एक भी आंसू ना कर बेकार, जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। इंसान को हर उथल पुथल, हर ऊंच नीच का बराबरी से सामना करना चाहिए, बराबरी से उसे समझना चाहिए। हो सकता है कि हमारे किसी एक्ट से ऊपर वाला देवता शायद उसे पसंद आ जाए और हमारा, जिसे कहते हैं भाग्य उदय होना, वो हो जाए। आगे की लाइनें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, किंतु आकृतियां कभी टूटी नहीं है। आदमी से रूठ जाता है सभी कुछ, पर समस्याएं कभी रूठी नहीं है। हर छलकते अश्रु को कर प्यार, हर छलकते अश्रु को कर प्यार, जाने आत्मा को कौन सा नहला जाए। एक भी आंसू न कर बेकार, जाने कब समंदर मांगने आ जाए। कवि यहां कह रहे हैं कि जो टूट गया वो केवल दर्पण था। हम दर्पण में अपने अक्ष को देखते हैं, अपने परछाई को देखते हैं। जब टूटता है तो वो दर्पण टूटता है, हम कभी नहीं टूटते। सही बात तो यह है कि हमें टूटना नहीं चाहिए। हम We must be a born warrior। हमें जिंदगी में हर समय सिर्फ लड़ते रहना है, कभी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन लड़ना केवल और केवल हमारा काम है। इस लड़ाई से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, किंतु आकृतियां कभी टूटी नहीं है। आदमी से रूठ जाता है सभी कुछ, पर समस्याएं कभी रूठी नहीं है। हर छलकते अश्रु को कर प्यार, हर छलकते अश्रु को कर प्यार, जाने कौन सा आत्मा को नहला जाए। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था, देयर इज नो कमिंग टू कॉन्शियसनेस विदाउट पेन। आपके कॉन्शियस तब तक एक्टिवेट नहीं हो सकते जब तक आपने पेन नहीं देखा। धूप देखना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ छांव। इंसान को इस छांव और धूप की जो कश्मकश की कहानी है, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जीवन है। और इसमें दुख देखना, इसमें धूप देखना ज्यादा जरूरी होता है रेदर देन कंफर्ट एंड
छाए। व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, कभी आगे कहते हैं, व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पांव ही आते सफर में। व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पांव ही आते सफर में, वह ना ईश्वर के उठाए भी उठेगा, वह ना ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नजर में। कवि यहां कहते हैं कि रास्ता तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको रास्ते मिलने के बाद भी उसमें खुद चलना है, उसकी हर कठिनाइयों का सामना करना है, हर उथल पुथल, हर ऊंच नीच का आपको सामना करना है। इसमें अगर आप रास्तों की खुशामत करने बैठ गए तो शायद आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। और इंसान हर समय से अपने विल पावर पर चलता है, जितना ज्यादा उसका विल पावर होगा उतना जल्दी वो नहीं गिरेगा। कभी आगे कहते हैं, वह ना ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो गिर जाए स्वयं अपनी ही नजर में। इंसान को खुद के सामने कभी नहीं गिरना चाहिए, एक आंख मिला करके दर्पण से बात करने का जज्बा होना चाहिए इंसान का, यही इंसान को आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। एक शायर ने कहा था, मुझे याद आ रहा है अभी, जो सफर इख्तियार करते हैं मतलब जो उसकी शुरुआत करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं शुरू करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। एक बार कदम बढ़ाने का हौसला तो रखिए, एक बार कदम बढ़ाने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो मंजिलें भी इंतजार किया करते हैं। ये एक शेर ऐसा है जो हमें बताता है कि हमें अपने जरूरत के हिसाब से अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम पीछे की तरफ आना शुरू कर देंगे तो शायद हम कभी, जिसे कहते हैं, वॉन नहीं कर पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कुछ मिलते जुलते विचार रखे थे, यू कैनॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप भगवान पर तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक आपको अपने पर विश्वास ना हो। एक आखिरी शेर से इस कविता का समापन करना चाहूंगा। बेहजाद लखनवी जी कहते हैं, आता है जो तूफान तो आने दे, आता है जो तूफान तो आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, मुमकिन है इन उठती हुई लहरों पे, मुमकिन है इन उठती हुई लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। हर लहर का कर प्रणय स्वीकार, जाने कौन तट के पास पहुंचा जाए, एक भी आंसू न कर बेकार, जाने कब समंदर मांगने आ जाए। रमा अवतार त्यागी जी, यू गाइस टेक केयर एंड बी सेफ इन दिस पेंडेमिक टाइम। नमस्कार।